नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और सीधा बुलेटिन की शुरुआत पटना से बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पटना में आरजेडी का आज शक्ति प्रदर्शन, गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली आज आयोजित की गई है। तेजस्वी ने इस रैली के लिए विपक्षी दलों को न्योता दिया है और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंपाई सोरेन आज महारैली में शामिल भी हो रहे हैं। सीताराम येचुरी और डी राजा भी इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक तरह से महागठबंधन की ये रैली, इंडिया गठबंधन की जो राह है, जो रणनीति है, वो दिखाती हुई नजर आएगी। तो आज ये शक्ति प्रदर्शन पटना में आरजेडी का, यहां के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में ये रैली आयोजित की गई है। मेरे सहयोगी अमिताभ मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं पटना की इस रैली से ही, गांधी मैदान से ही। अमिताभ, क्या इस वक्त तस्वीर, क्या माहौल है, क्या तमाम दिग्गज, तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंच गए हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लालू राबड़ी आवास के पास हैं, उनके घर के बाहर हैं। यहाँ पे बाकी जो सुबह से यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ था, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को जो लोग आ रहे थे उनको भेज दिया गया गांधी मैदान। और यहाँ से अब कुछ देर में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी यहाँ से निकलने वाली है। दरअसल इंतजार हो रहा है उन अतिथियों का जो पटना पहुंचने वाले हैं, महागठबंधन के और बड़े नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और केसी वेणुगोपाल हैं। ये स्पेशल फ्लाइट से 12 बजे यहाँ आने वाले थे और उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से एयरपोर्ट से निकलेंगे, यहाँ से लालू प्रसाद यादव और इनका भी परिवार यहाँ से निकलेगा और इसी का इंतजार हो रहा है। बाकी देखिए गांधी मैदान पूरा भर चुका है और जिस तरीके से जो आरजेडी की रैली की खासियत होती है कि यहाँ जो लालू प्रसाद यादव का रहता है कि 1995 से लेकर जो भी रैलियाँ उन्होंने की है, कभी भी अगर हम जेपी आंदोलन के रैली की बात करें तो उसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी में जुड़ती है तो लालू प्रसाद की रैली में भिड़ती है। और इस बार भी कांग्रेस वही नजारा है, काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे फिलहाल देखिए समर्थक यहाँ पे जो उनके आवास के सामने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे समर्थक जो हैं, लेकिन तमाम जो इससे पहले सुबह में खुद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, जो बाहर से लोग आए थे उनसे मुलाकात की थी और रंग बिरंगी झांकियां जो देखने को मिलती है वो भी यहाँ पे दिखा था। जो बांका से जो लोग आदिवासियों का समूह आया था उसके थे और अब यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी। कुछ देर में ही यहाँ से जो तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, राबड़ी देवी, इनका काफिला यहाँ से निकलने वाला है गांधी मैदान के लिए और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो कर ली चुकी हैं। फिलहाल इंतजार किया जाए, चूंकि मौसम थोड़ा खराब हो गया था, कल रात से पटना में काफी तेज बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी और आज सुबह भी बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद समर्थकों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। काफी तादाद में यहाँ पे समर्थक जुटे हैं और जिस तैयारी के साथ जो तेजस्वी यादव निकले थे अपने जन विश्वास यात्रा में निकले थे और उस यात्रा के बाद इन्होंने रैली में जो आमंत्रण दिया था, आज निश्चित तौर पर जिस तरीके से लालू की रैली में जो भीड़ जुटती थी, आज वही भीड़ तेजस्वी यादव के इस रैली में दिखती हुई भीड़ जुटती हुई दिख रही है। हालांकि इसमें महागठबंधन के और भी पार्टियां शामिल हैं, माले के भी काफी कार्यकर्ता और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो आरजेडी के झंडे और बैनरों से पूरा शहर पटा पड़ा है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से यहां पर जो है जो तस्वीरें सामने आ रही है और ऐसे में ये रैली बहुत ही मायने रखती है। और देखिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी गांधी मैदान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इससे पहले जब जब यहां पर रैली हुई है और ये कहा जाता है वो ऐतिहासिक मैदान है जहां जब जब लालू यादव ने यहां से झंडा उठाया, सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं की रैली में नजर आई है, तमाम राजनीतिक दलों की अगर हम बात कर लें, तो आज ये रैली क्या मायने रखती है? क्योंकि ये सिर्फ एक महारैली महागठबंधन की नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी एक नए रास्ते खोलने जैसा होगा, पहली रैली महागठबंधन की भी। देखिए पूजा, पटना का गांधी मैदान जो है वो बिहार की सियासत का, राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने का मैदान हमेशा से रहा है। अगर आप इसके इतिहास को देखें, आज़ादी के पहले इसको पटना लॉन्स कहा जाता था, तब ये रेसकोर्स था, तब अंग्रेज यहाँ पर घुड़सवारी और तमाम उनके एक्टिविटीज़ थी। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा भी यहीं पर लगी है और उनके एसेसिनेशन के बाद, उनकी हत्या के बाद इस मैदान का नाम गांधी मैदान रखा गया। और उसके बाद से आज़ादी के बाद जितना सत्ता विरोधी आंदोलन या सत्ता के पक्ष में भी जो रैलियां हुई वो सबसे ज़्यादा पटना के गांधी मैदान में ही हुई। और 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इस रैली का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है कि
कि यह इंडिया गठबंधन की ताकत का पहला प्रदर्शन है। वैसे तो भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली रैली होनी थी लेकिन वो ना हो सकी, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए इंडिया गठबंधन ने यह रैली की और अमिताभ ने जैसा कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा लेकर 11 दिनों में 1700 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये जन आशीर्वाद रैली तेजस्वी यादव की है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और तमाम वो गठबंधन इंडिया के घटक दल यहाँ पर शामिल हैं। मैं दूसरे कोने से भीड़ को दिखाता हूँ। पटना का ये गांधी मैदान जो 60 एकड़ में है, वो पूरे हर तरफ लाल झंडों से, आरजेडी के झंडों से पटा पड़ा है और बिहार के अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। जिन रास्तों से होकर आप पटना के गांधी मैदान आएंगे तो हर रास्ता लोगों से भरा पड़ा है, झंडे से भरा पड़ा है और एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी एक रैली यहाँ पर हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो वोट, जो भीड़ है, जो ये आप एक रैला देख रहे हैं, रैली की जगह मैं कहूँगा रैला है, ये रैला जो है वो वोटों में तब्दील कितना होगा और NDA जो कि नीतीश कुमार और मोदी के गठजोड़ से फिर से एक बार यहाँ पर बना है, उसको कितनी टक्कर दे पाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा की दृष्टि से इंडिया गठबंधन अगर मौजूदा देखा जाए तो उसके पास सिर्फ एक सांसद है और बिहार वो राज्य है जो 2024 के चुनावी नतीजों को बहुत हद तक प्रभावित भी करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आज देखना होगा कि जो शक्ति प्रदर्शन आज इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रहा है उसमें कितना सफल होते हैं। और देखिए, गांधी मैदान से ही मेरे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप यहाँ पर किस तरफ मौजूद हैं और आपको क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है? कितनी देर में रैली की शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि जैसा कि अमिताभ बता रहे हैं कि कुछ ही देर में लालू प्रसाद निकल रहे हैं, बाकी नेताओं के बारे में क्या जानकारी? अभी तक हमारे वॉलंटियर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी 12:30 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा वो गांधी मैदान आएंगे। और मंच की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त लेफ्ट के तीन जो बड़े नेता हैं, चाहे डी राजा हो, सीताराम येचुरी हो या फिर दीपांकर भट्टाचार्य, वो मंच पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद ही ये माना जा रहा है कि राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस मंच पर पहुंच जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या चंपई सोरेन की बात करें तो वो 12:45 तक मंच पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो भीड़ है वह निश्चित रूप में वो भीड़ तो नहीं है जो रैली के पहले कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 10 लाख की जो भीड़ है वो गांधी मैदान में मौजूद रहेगी, लेकिन भीड़ जो है वह जरूर लाखों की संख्या में यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, सबके हाथों में जो झंडे हैं वो अलग अलग पार्टी के हैं। लेफ्ट के भी यहाँ पर झंडे नजर आ रहे हैं, RJD के भी झंडे नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की भी झंडे जो है वो नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से एक मैसेज देने की कोशिश पटना के गांधी मैदान से की जा रही है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की पहली रैली है, तो एक मैसेज देने की कोशिश ये की जा रही है कि जो सूत्रधार कभी हुआ करते थे, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हुआ करते थे, आज वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। बावजूद इसके, यानी माइनस नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आज इस मंच से। और सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लालू परिवार पर हमला किया था और भ्रष्टाचार की बात कही थी, तो निश्चित रूप से आज इस मंच से प्रधानमंत्री को भी जवाब जरूर दिया जाएगा। तो पहली रैली है, मैसेज ये देने की कोशिश है कि आज भी इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है। नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है और ये इंडिया गठबंधन का आप शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। तो काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, नेता सभी बैठे हुए हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे, लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंचेंगे। और ये देखना होगा कि आज
लालू प्रसाद यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, वो मंच से जनता को यानी बिहार की जनता को संबोधन में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, इसी पर नजर रहेगी कि आखिर आज किस तरह से यहाँ पर हमलावर होता हुआ विपक्ष नजर आएगा। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिवारवाद हो चाहे भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से कांग्रेस को घेरते नजर आए, आरजेडी को घेरा राजीव, आज वाकई में आज देखना होगा क्योंकि मजबूती यहां पर, क्योंकि आपने एक सवाल बहुत वाजिब उठाया कि यहां ये रैला दिख तो रहा है लेकिन ये वोटों में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। विधानसभा में जो हालात हमें आरजेडी के दिखते हैं वो लोकसभा में नजर आते नहीं है, तो ऐसे में ये भी यहां से देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, पिछले चुनाव में भी वो सबसे बड़ी पार्टी थी, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें गठबंधन में ना दी गई होती तो शायद आरजेडी सरकार बनाने के और करीब पहुंच गई होती। लेकिन लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो आपको मालूम है कि ये दो ही तरह का मेरे समझ से देश में दो ही तरह के विचार हैं। एक वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और उनके अलावा प्रधानमंत्री पद पर कोई दूसरा चेहरा विकल्प उन्हें दिखाई नहीं देता, दूसरी तरफ वो लोग हैं, देश पूरी तरह से दो धड़ों में बटा हुआ है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को हटाना चाहते हैं। सवाल ये है कि जब लोकसभा के 2024 के चुनाव होंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाने और हटाने वालों के बीच में होगा, दूसरा कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होगा इंडिया गठबंधन से कि नहीं, वो चुनाव की घोषणा तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आरजेडी ने अब पिछले चुनाव से, तेजस्वी ने और आरजेडी ने दोनों ने विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पिछले कुछ दिनों में अपने को जमीन पर ज्यादा ताकतवर बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये बात अलग है कि 2025 अभी 18 महीनों के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन ये जो सारी कवायद, ये जो सारी मेहनत, ये जो सारी ताकत का प्रदर्शन है वो लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन बिहार विधानसभा, मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ज्यादा तैयारी की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल राजीव, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगातार आपके पीछे और बढ़ती जा रही है, आपको और लोग यहाँ पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ का भी रुख कर लेती हूँ। सौरभ, क्योंकि ये सिर्फ आरजेडी, सिर्फ महागठबंधन की रैली नहीं है, यहां से इंडिया गठबंधन का भी आगाज शंखनाद चुनावों के लिए हो रहा है, तो ऐसे में बिहार के लिए जहां पर अभी बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं, एक साथ तो हैं लेकिन अभी सीट शेयरिंग है उसको लेकर अभी मामला फंसा हुआ है, उसको लेकर कोई गुणा भाग अभी दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में ये रैली कितने रास्ते यहां पर गठबंधन के लिए खोलने वाली है? बाहरी सड़क पे काफी सारे लोग हैं, बहुत जल्द जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के जाने के बाद यह पहली रैली हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि पूरे देश में विपक्षी पार्टी को एक मंच पर लाने का काम नीतीश कुमार ने किया था और पहली जो बैठक है वो भी बिहार की राजधानी पटना में ही हुई थी। हालांकि ये अलग बात कि है वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पहली रैली लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की वो भी पटना के गांधी मैदान में हो रही है, और निश्चित रूप में इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो तेजस्वी यादव की है, क्योंकि तेजस्वी यादव इसके पहले 11 दिनों की अपने जन विश्वास यात्रा पर थे और लगातार अपने यात्रा में भी वो लोगों को अपील कर रहे थे, लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि वो आज यानी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान जरूर पहुंचे, और 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार की जनता से अपील किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस रैली में शामिल जरूर हो, इस रैली में हिस्सेदार जरूर हो। तो एक और आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी आए थे, जब बिहार में उनकी यात्रा थी, जब वो आए थे औरंगाबाद, तब उन्होंने तेजस्वी यादव को ऑफर किया था, यानी उनकी जो जीप थी उसको चलाने के लिए तेजस्वी यादव को उन्होंने खुद ऑफर किया था। यानी आरजेडी यानी कांग्रेस भी ये मानती है कि बिहार में अगर कोई ड्राइविंग सीट पर बैठ सकता है इंडिया गठबंधन में तो वो तेजस्वी यादव है। मंच पर जो तस्वीर है वो भी इस बात को बयां कर रहा, जो फोटो लगा हुआ है यानी जन विश्वास महारैली की जो तस्वीर लगी हुई है, जो पोस्टर लगा हुआ है, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि केवल 2 तस्वीरें, पहली
राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की और दूसरी जो तस्वीर है वो तेजस्वी यादव की, हालांकि उसके बगल में सभी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या फिर आरजेडी हो, सभी का जो चुनाव चिन्ह है वो जरूर है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर केवल दो नेताओं की रखी गई है, लगाई गई है, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरी जो तस्वीर है वो तेजस्वी यादव की। तो निश्चित तौर पर आज इस रैली में जनता को यह भी मैसेज देने की कोशिश है कि अगर इंडिया गठबंधन को कोई लीड कर रहा है बिहार में तो उसका नाम तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है, सीट शेयरिंग का जो मसला है इंडिया गठबंधन में वो बिहार में हल नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और ये भी लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि 8 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगी, लेफ्ट के पास करीब 5 सीटें आएंगी, तो ये माना जा रहा है कि करीब जो है यानी 8, 5, 13 अगर 13 सीटों को छोड़ दे तो करीब 26 से 27 सीटों पर आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये सच है कि अभी तक बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आज ठीक है, तो हो सकता है कि इस रैली के बाद जो गठबंधन को लेकर, जो सीट शेयरिंग को लेकर जो गाड़ी है वो आगे थोड़ा सा चल पड़े। मैं राजीव का एक बार फिर रुख कर लेती हूँ। राजीव, आज क्या लगता है, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से आरजेडी पर, कांग्रेस पर लगातार हमलावर हुए हैं, आज यहां से विपक्ष के निशाने पर नीतीश होंगे या मोदी? देखिए, पहले मैं पूजा, रैलियों में माहौल दिखाने का काम होना चाहिए। मैं देखिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों में लीड लेता हुआ इस मामले में दिख रहा है कि बाकी जगह जहां अभी चर्चाएं हो रही हैं वहां इंडिया गठबंधन बिहार और उत्तर प्रदेश में उसकी जो भी ताकत है वो चुनाव से पहले इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का, जैसे हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे, अगर इससे पहले आप तस्वीर देखें तो ज़्यादातर वामपंथियों का और आरजेडी का झंडा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कांग्रेस का जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके जो समर्थक हैं, अब जिस गेट पर मैं हूं आप देख रही होंगी कि लगातार कांग्रेस के झंडे यानी कांग्रेस की भीड़ का आना इसमें शुरू हुआ। इस दृष्टि से कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, जहां तो कम्युनिस्ट केरला में कांग्रेस और कम्युनिस्ट आमने सामने लड़ रहे हैं और यहां मंच शेयर करेंगे, और यह आप देखिए कांग्रेस का ये जो कार्यकर्ताओं का जो समूह है वो इस रैली में आ रहा है। संख्या की दृष्टि से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की ये सबसे बड़ी राजनीतिक रैली कही जा सकती है और बिहार में ताकत का प्रदर्शन इसको कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो आरोप, कानून व्यवस्था का जो आरोप आरजेडी पर बीजेपी लगातार लगाते रही है, उससे बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये बात भी है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार आरजेडी बिहार की सत्ता से बाहर है। 20 वर्ष का वक्त है, 15 वर्षों तक आरजेडी का शासन था। अब बहुत सारे 25 साल, 28 साल, 30 साल के युवा, जो बिहार की 30% आबादी है, उनको उस जंगल राज, जिसकी बात बीजेपी या विरोधी दल कहते हैं या लालू यादव के राज को बार बार कहा जाता है, वो 25, 28, 30 साल के युवाओं ने वो राज नहीं देखा है। उन्होंने जब से होश संभाला है तब से नीतीश कुमार को देखा है और पिछले 18 महीने में नीतीश कुमार की सरकार में शामिल होकर तेजस्वी यादव या उस सरकार ने मिलकर 2.5-3 लाख जो नौकरियां दी हैं उसने एक परसेप्शन को चेंज करने का काम किया है। और क्योंकि नीतीश कुमार इतने सालों तक मुख्यमंत्री रह के बिहार के युवाओं को उतनी नौकरी नहीं दे पाए जब तेजस्वी यादव उसमें शामिल होकर के दिला पाने में कामयाब रहे, और वो बार बार इसी को मुद्दा बना रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी कमजोर नस क्या है, उन्हें मालूम है कि उनकी ताकत क्या है। और आपको मैं ये भी बता दूं, 2020 के विधानसभा चुनाव
चुनाव में बिहार में जब हम लोग आए थे और उस पूरे चुनाव के दौरान में बिहार में था, उस समय तेजस्वी यादव अपने भाषण की शुरुआत करते हुए हमेशा अपने पुराने शासन के दौरान की गलतियों को लेकर जनता से माफ़ी मांगते थे कि अगर पुरानी गलतियां हुई हों तो हमें माफ़ कीजिएगा। और उस पूरे चुनाव में लालू यादव और राबड़ी यादव की फोटो का परहेज किया गया और तेजस्वी को एकमात्र स्टार प्रचारक बनाया गया। लालू यादव उस वक्त जेल में थे और उस तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर आरजेडी को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम भी किया था। तो कब कैसे परिस्थितियां बदलें, ये बात ठीक है कि उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो इतने जल्दी हटा पाना मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी ने अपने तौर पर एक नई शुरुआत की है और उन्होंने बेरोजगारी को रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाने में बहुत हद तक कामयाबी भी पाई है। बिल्कुल, और इसे रोजगार देने को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कितना जनता का वोट वो हासिल कर पाते हैं ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर नजर रहेगी। तो आज पटना में महारैली और जिसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम नेता आज मंच साझा करते नजर आएंगे। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, मेरे सहयोगी बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।